Audio Jungle.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्राना अदा करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोगों के बैनर तले, मालेगांव स्पोर्ट्स ड्रीम के बैनर तले कामयाबी से हमकिनार को पहुँचा। और उसके बाद मैं मालेगांव शहर के प्रेस रिपोर्टरों और सोशल मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जैसा व्हाट्सएप के दावत नामे पे लब्बैक का, आपका भी मैं मालेगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर, मालेगांव स्पोर्ट्स ड्रीम के पूरे मेंबरान की जानिब से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इंटर स्कूल मैराथन लेने का हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि मालेगांव शहर में सबसे पहले जो नशा बढ़ते जा रहा है उसको ख़त्म करना है। जहाँ तक हम लोगों की कोशिश रहेगी वहाँ तक हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और आगे हम लोगों का प्रोग्राम ऐसा है कि अभी तो एक ये शुरुआत है, ये शुरुआत हुई है, अभी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल तौर से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इतनी बड़ी हिम्मत की और इस हिम्मत में हम लोगों का साथ ताउन मालेगांव फिजिकल टीचर एसोसिएशन का रहा, मालेगांव ग्रामीण नासिक पुलिस का रहा। उसके बाद सबसे बढ़कर जो है हम लोगों को जो ताउन मिला स्पॉन्सर्स का, हमारे अबुल फैसल सर कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी के, राजू भाई मुन्ना साइकिल वाले, ये जितने भी हम लोग जितने भी लोगों से हम लोगों को ताउन मिला तो हम लोगों को और हिम्मत बढ़ी कि मेरा तो इसमें जो है हम लोगों का टारगेट था 400 से 500 स्कूल के बच्चों को लेना, लेकिन ये टारगेट जो है दुगना हो गया, बस ये और ज़्यादा हो गया। टोटल इस इंटर स्कूल मैराथन में 1500 बच्चे शिरकत करे, तो इतनी तादाद में बच्चों का शरीक होना, मैं तमाम ही उर्दू मीडियम स्कूल इंतज़ामिया, तमाम ही फिजिकल टीचर्स का बेहद मशहूर हूँ कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने बच्चों को लेकर आया और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो है पुलिस राइजिंग डे, जैसे कि सभी लोगों को पता है 1 जनवरी से 8 जनवरी तक का जो है हर साल जो है पुलिस राइजिंग डे का इनेकाद किया जाता है, तो ये प्रोग्राम भी जो है उसी का एक हिस्सा है। इसको जो है मालेगांव स्पोर्ट्स ड्रीम, मालेगांव फिजिकल टीचर एसोसिएशन ने कंडक्ट किया और बेहतरीन तरीके से कंडक्ट किया, और आइंदा भी जो है हमारे SDPO सर IPS ऑफिसर तिग्वेर सिंह सिंधु साहब ने कहा कि आगे हम और भी प्रोग्राम स्पोर्ट्स के इससे बेहतरीन प्रोग्राम हम लोग अरेंज करेंगे। और एक प्रोग्राम होता है पुलिस रेंज का, मैं बताता चलूँ, मालेगांव शहर में शायद बहुत कम ही लोगों को पता हो, IDC बोल के जो है पुलिस रेंज का एक प्रोग्राम होता है, उसमें तमाम ही खेल कूद होते हैं सिर्फ पुलिस के लिए। तो मैं मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये IDC जो है हर ज़िले में होती है, तालुके में भी हो सकती है, पॉसिबल है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में तमाम ही इवेंट्स के स्पोर्ट्स, तमाम ही इवेंट के जो है मुहैया है, ग्राउंड मुहैया है, इक्विपमेंट मुहैया है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। मैं सबसे पहले एडिशनल SP अंकित जी भारती से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और SDPO सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे जिस तरीके से हम लोग अभी जिस तरीके से हम लोगों को हिम्मत दी है, आगे हम चाहते हैं कि पुलिस रेंज भी हम लोग मालेगांव शहर में मुनक़िद करें, और इसके लिए मालेगांव स्पोर्ट्स ड्रीम जिस तरीके से इंटर स्कूल मैराथन में आप लोगों का साथ दिया, ताउन दिया, आगे भी इंशाल्लाह जो है आप लोगों का भरपूर ताउन देंगे। शुक्रिया। ढाई महीना हुआ है यहाँ पे मालेगांव में आया, और ये पहला मैराथन मैंने ज्वाइन किया है, और मेरे को ये भी बताया गया है कि ये बहुत टाइम में हमारा पहला मैराथन था मालेगांव सिटी में, तो इस सब के लिए मैं जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है मालेगांव स्पोर्ट्स टीम फाउंडेशन, मालेगांव सिटी पुलिस एज वेल एज मालेगांव सिटी टीचर एसोसिएशन, मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ। आज के हमारे सीनियर डिवीजन में उनका नाम घूम रहे हैं, और सीनियर डिवीजन में नाम है प्राइज लेने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत एफर्ट लगता है किसी भी इसी तरह की रेस को जीतने के लिए,
पीछे प्रैक्टिस करते आए और आगे की जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करें, फर्स्ट प्राइज लेके आके, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये आज का जो इवेंट है ये महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन ने एक पूरे प्रोग्राम वीक लॉन्ग प्रोग्राम में ये हाईलाइट है। एंड मैं नासिक ग्रामीण एस पी चार्जिंग मास्टर, नासिक एडिशनल एस पी अनिकेत भारती सर एंड तमाम मालेगांव पुलिस में जो लोग भी इसमें इस प्रोग्राम को शामिल मोहम्मद सलमान खैजान शेख अल्ताफ शेख हाई स्कूल, नंबर मुजीबुर रहमान इमरान अहमद जैसी हाई स्कूल, उसका पहला इनाम पहला एथलीट जो है वो शेख इमरान शेख इसराइल। स्पोर्ट ड्रीम एसोसिएशन और मालेगांव पीटी टीचर एसोसिएशन की इश्तराक से और पुलिस डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसमें मालेगांव के उर्दू मीडियम के तमाम ही स्कूलों के बच्चे जो है वो शरीक हुए। दो ग्रुप में एक पाँचवीं से लेकर आठवीं का एक ग्रुप था, दूसरा जो ग्रुप था वो नौवीं और दसवीं का ग्रुप था। और दोनों ग्रुप में माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तकरीबन 1200 बच्चे जो है वो शरीक हुए। और 1200 बच्चों के दरमियान जो दो ग्रुप था उसमें दोनों ग्रुप में 15-15 इनामात दिए गए स्पोर्ट ड्रीम की जानिब से। और उसमें सुएस हाई स्कूल के दो बच्चे जो है वो दोनों ग्रुप में अव्वल इनाम हासिल किए। पहले जो सीनियर ग्रुप था उसमें शेख साजिद जो सुएस हाई स्कूल के तालिब इल्म में है और उन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया। इसी तरीके जूनियर ग्रुप में उमरैन इसराइल उन्होंने भी अव्वल इनाम हासिल किया। इस तरीके से सुएस हाई स्कूल के तकरीबन 30 इनामात के बच्चों में से 10 बच्चों ने 1 से 15 की रैंकिंग हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया। मैं तमाम ही ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी स्पोर्ट्स के जो सहदाई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बच्चों ने अच्छी मेहनत की स्कूल में, मुदस्सिर सर दिलदार सर ने उनके पीछे काफ़ी मेहनत की है। ये बच्चे जो है रोज़ाना तकरीबन 12 दिन से हर दिन छुट्टी के बाद और रात में स्कूल के ग्राउंड पर काफ़ी मेहनत किए हैं और उसके सिले में इनको ये इनाम हासिल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।